अनंत और राधिका की शादी में बच्चन परिवार के साथ नहीं दिखी ऐश्वर्या। शादी में बेटी के साथ ली अलग से एंट्री। फैंस ने उठाए अभिषेक और ऐश्वर्या के तलाक पर सवाल। अनंत अंबानी और राधिका मोहचन की शादी में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शामिल हुए। वहीं बच्चन फैमिली भी अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने पहुंची। पूरी बच्चन फैमिली इस दौरान ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आई। शादी में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, बिग बी की बेटी श्वेता और उनके दामाद, अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा और उनके नाती अगस्त्य नंदा सब नजर आए। लेकिन बच्चन फैमिली के साथ ऐश्वर्या राय कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने बच्चन फैमिली के साथ शादी में एंट्री ही नहीं ली, ना ही उन्होंने पति अभिषेक बच्चन के साथ पेपराजी को पोज दिए और ना ही बच्चन परिवार के किसी अन्य मेंबर संग देखने को मिली। ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ पेपराजी को पोज देती दिखी। इस दौरान लाल ड्रेस में ऐश्वर्या हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लगी। ऐश्वर्या राय बच्चन को पहले दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के साथ मिलते देखा गया। इसके बाद उन्होंने बेटी आराध्या के साथ पेपराजी को पोज दिया। ऐश्वर्या राय को बच्चन परिवार से अलग देखने के बाद फैंस अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बच्चन फैमिली के साथ ऐश्वर्या राय को ना देखकर ज्यादातर फैंस भी खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि ऐश्वर्या और उनकी बेटी कहाँ हैं? ये अच्छा नहीं है। अन्य यूजर ने लिखा कि उन्होंने ऐश्वर्या और आराध्या को आइसोलेट कर दिया है। एक और अन्य यूजर ने कमेंट किया कि ऐश्वर्या की कमी है, उनके बिना परिवार अधूरा है। 12 जुलाई को विवाह बंधन में बंधने के बाद अनंत और राधिका का 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद समारोह है। इस दौरान न्यूली वेड कपल बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेगा। वहीं 14 जुलाई को वर्ल्ड जियो सेंटर में ही ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है। इसमें भारत के साथ ही दुनिया की कई पॉपुलर हस्तियां भी शामिल होंगी। आशीर्वाद समारोह और रिसेप्शन दोनों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड तय किया गया है। माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने बेटे अनंत की शादी में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।